हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कोट विद वेद। एंड टुडे माय टॉपिक फाइव प्रिंट इन पैटर्न। ओके, स्टार्ट नाउ। हमें क्या प्रिंट कराना है? फाइव। और फाइव का आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे बना रखा हुआ है। फर्स्ट लाइन में कितने हैं? पांच स्टार। फिर सेकंड रो में ओनली वन स्टार। फिर थर्ड रो में फिफ्थ स्टार। फिर यहाँ पे फोर्थ रो में देखेंगे, लास्ट में है, लास्ट कॉलम में वन स्टार। एंड लास्ट रो में पूरे फाइव स्टार। ठीक है, अभी हमें प्रिंट कराना है। इसके पहले हमने क्या प्रिंट करा रखा है? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ये है फाइव। ठीक है, इसके बाद सिक्स, सेवन, एट, नाइन, यानी जीरो से लेके नाइन तक हम सारे नंबर प्रिंट कराएंगे स्टार पैटर्न में। ठीक है, चलिए पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसको लॉजिक को समझते हैं और इसको फिर लॉजिक को क्लियर करने के बाद प्रोग्राम करके रन करते हैं। ठीक है, हमें आपको भी पता होगा, ना पता हो तो आपके मैं बता भी दे रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, अगर एक लाइन को देखेंगे तो ये तो सिर्फ एक रो हो गया। ठीक है, और अगर एक इसको देखेंगे, ये अभी क्या है? वन रो वन कॉलम। फिर ये क्या है? वन रो दूसरा कॉलम। एंड ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वन रो फोर्थ कॉलम, वन रो फिफ्थ कॉलम। ठीक है, ये हो गया सेकंड। ऐसे ये सब है, यानी मिला जुला के क्या हमारा हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये क्या है? वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ये क्या है हमारे? ये हमारे रो हैं। और कॉलम कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी कितने कॉलम होंगे? पाँच। यानी मिला जुला के हमें क्या करना है? फाइव, फाइव इंटू फाइव का हमें पैटर्न बनाना है। फर्स्ट तो ये हो गया, और इसमें क्या करना है? दो लूप चलेगा, इनर और आउटर का। आउटर लूप हमारा रो को प्रिंट करेगा, इनर लूप जो प्रिंट करेगा वो हमारा किसको प्रिंट करेगा? ये हमारे कॉलम को प्रिंट करेगा। ठीक है, पहले तो दो चीज़ें हम कर लेते हैं, यानी फॉर लूप लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे रो को आई माना, आई इजकल टू वन, ये फाइव तक चलेगा क्योंकि हमें वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव तक प्रिंट कराने हैं। ये एक कॉलम कंप्लीट होगा तो उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी दूसरे रूम पहुंच जाएंगे। फिर दूसरा हमारा यानी इनर लूप जो चलेगा वो किसके लिए चलेगा? कॉलम के लिए चलेगा। वन से लेकर फाइव तक ये चलेगा, इसको हमने जे मान लिया। जे इक्वल टू वन से लेकर कहाँ तक कर दिया? फाइव तक। इसकी भी वैल्यू इंक्रीमेंट हो, यानी वन प्रिंट हो जाए, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ तक चलेगा ये। ठीक है, और फिर हमें करना क्या, अब यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन क्या है, हमें स्पेस भी चाहिए। स्पेस ना होता तो कंडीशन नहीं लगानी पड़ती। तो कहते क्या है, फिर एक तो स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम इफ़ एंड एल्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इफ़ अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो तो हमें स्टार प्रिंट हो जाए, स्पेस प्रिंट हो जाए। ठीक है, इस पर मैंने दे दिया। और फिर एल्स में क्या हो जाए, हमें इस इफ़ रहेगा तो एल्स भी रहेगा, एल्स में क्या हो जाए, प्रिंट हो कर देगा ये स्पेस। ठीक है, ये स्पेस हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये आउटर इनर लूप बंद हो न्यू लाइन जाने के बाद, ये हमारा आउटर लूप चलेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा इनर लूप बंद होगा तो हमें ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखना पड़ेगा, यानी हमें न्यू लाइन पे जाने के लिए। ठीक है, ये हमारा स्पेस के लिए यूज होगा, ये हमारा न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज होगा, यानी इस पे जाएंगे। जैसे ये फॉर लूप ख़त्म होगा तो आउटर फॉर लूप पे जाएंगे, ये हमारा इनर लूप जैसे ख़त्म होगा तो। ठीक है, और इफ में क्या प्रिंट कराएंगे, इफ में प्रिंट करा देंगे स्टार, यानी हमारा कंडीशन ट्रू हो तो हमें स्टार प्रिंट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कंडीशन लगानी है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टार प्रिंट हो जाए, कंडीशन फॉल्स हो तो स्पेस प्रिंट हो जाए। और जैसे ही हमारा ये सिक्स तक जाएगा, ये फाइव इंटू फाइव का कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, चलिए इसको थोड़ा सा और इस, बस हमें क्या करना है, सिर्फ कंडीशन देखनी है जो हमें ट्रू करनी है, और फॉल्स में तो स्पेस करेगा ही करेगा। अब ऐसा क्या करें, हमें क्या फर्स्ट लाइन पूरी पूरी प्रिंट करानी है, यानी आई जो हमारा वन हो पूरी पूरी प्रिंट करानी है। तो हम पहला यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, जब आई क्या हो, डबल इक्वल वन, यानी ये कंपेयर करेगा। ठीक है, कंपेयर किया, जब आई की वैल्यू वन हो
तो क्या हो, स्टार प्रिंट हो, ठीक है। ये फाइव टाइम्स चलेगा, फाइव टाइम्स ये स्टार प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमारा हर एक कॉलम चेक करेगा, ठीक है। फर्स्ट ये चलेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही चलता रहेगा, ये प्रिंट कर देगा। फिर हमें क्या चाहिए, अब नेक्स्ट भी चाहिए ये कि हमें एक स्टार और चाहिए, इसके बाद हमें स्पेस चाहिए, इसके आगे तो हम प्रिंट कराना नहीं है। जहाँ जब प्रिंट नहीं कराएंगे तो एल समझाएगा, एल समझा के तो स्पेस प्रिंट कर देगा। हम फिर यहाँ पर लगाएंगे आर, यानी या तो ये कंडीशन ट्रू हो, कोई ना कोई कंडीशन ट्रू हो तो स्टार प्रिंट करेगा, एक कंडीशन ट्रू हुई तो स्टार तो ये हो गया पूरा। अब हमें चाहिए ये प्रिंट कराने के लिए, अब इसमें क्या करें, अगर आई जी इक्वल टू वन करेंगे तो यहाँ ये पूरा पूरा प्रिंट करा देगा, और आई इक्वल टू वन टू करेंगे तो ये पूरा प्रिंट करा देगा, और हमें सिर्फ चाहिए सिर्फ एक, तो ऐसा क्या करें। अब हम इसकी यहाँ ये क्या है, हमारे टोटल फाइव वैल्यू, इसकी मिडिल वैल्यू कितनी है, थ्री, ठीक है। इसकी वैल्यू हम मिडिल कितनी मान लिए, थ्री मान लिए, ठीक है। फिर या थ्री मान लीजिए, या फिर लेस ग्रेटर लेस देन आर इक्वल टू कर दीजिए, या टू से वैल्यू छोटी हो या टू के बराबर हो तब ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करते क्या है, हम दो, अब इसमें हमें एंड और आर का, सॉरी आर का भी यूज, सॉरी एंड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आर का तो हो गया एक। फिर क्या करते हैं, जे इक्वल टू, ये जे हमारा, जे इक्वल टू क्या हो जाए, वन। अब ये वन वन तो इसमें पूरे प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें कंडीशन और लगानी है, इसके साथ एंड लगाएंगे, एंड का यूज करेंगे। तो एंड में क्या दिखाना है, जो हमारी आई की वैल्यू हो, यानी सिर्फ टू तक हमें एक ही प्रिंट कराना है, तो टू यूज करिए या थ्री यूज करिए, हाफ हम थ्री का दे रहे हैं, तो क्या हो, आई जो वैल्यू हमारी हो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थ्री कर देंगे तो, क्योंकि ये तो आई थ्री प्रिंट कराना है तो उसमें हो ही जाएगा, आप यहाँ से भी आई टू कर दीजिए, आई थ्री कर दीजिए, इससे क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे। और फिर क्या चेक करेगा, क्या जो वैल्यू है वो आई टू, यानी आई की वैल्यू इस समय कितनी है, वन थी, अब इस समय कितनी हो चुकी है, अब इस रो में आएंगे तो दो हो जाएगी, तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, और ये भी ट्रू, जब दोनों ट्रू होगा तो ये काम करेगा, तब ये स्टार प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद क्या करेगा, जे की वैल्यू यहाँ पर टू हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, फोर आ जाएगी, फाइव आ जाएगी, तो ये पूरा ब्लैंक कर देगा, क्योंकि एक कंडीशन ये तो ट्रू होगी लेकिन ये कंडीशन फॉल्स होगी, कोई ना कोई ट्रू होना चाहिए, ये हो गया। फिर ये प्रिंट हो गया, फिर हमें चाहिए अब थ्री भी पूरे चाहिए, फिर आर लगा के फिर क्या करेंगे, आई इक्वल टू डबल इक्वल थ्री कर देंगे, क्या करेगा ये पूरी वैल्यू हमें ये थ्री पूरे प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जे वन टू थ्री फोर करेगा लेकिन आई की वैल्यू थ्री होगी तो पूरे प्रिंट कर देगा ये। जे की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होती रहेगी ये पूरे रो के लिए चलता रहेगा, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए चाहे जो कोई भी, ये प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, अब फिर इसके लिए लगाएंगे आर, इसके बाद फिर क्या करेंगे, आर लगाने के बाद अब हमें क्या चाहिए, जे फाइव पे और आई जो थ्री की वैल्यू हो उससे बड़ी हो, वहाँ हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर दे दीजिए जे डबल इक्वल फाइव, यानी फाइव पे प्रिंट कराने। इस समय अगर इतने पे छोड़ देंगे तो ये भी प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें एक कंडीशन इसके साथ एंड और लगाना पड़ेगा, एंड का। फिर क्या एंड में क्या कहें कि ये जो आई की वैल्यू हो कितनी हो, तीन से बड़ी हो, आई क्या हो, तीन से वैल्यू बड़ी हो, या दो से दे सकते हैं क्योंकि दो में खाली है तो तीन से कर सकते हैं, लेकिन हमने दे दिया यहाँ पे थ्री, आई ग्रेटर देन थ्री, यानी जब थ्री से वैल्यू आई की बड़ी होगी, अब आई की फोर होगी तो ये प्रिंट करेगा, इसके पहले स्पेस हो जाएगा, ये तो आई के थ्री सब में होगा, लेकिन यह जे डबल इक्वल फाइव है, यानी फाइव होगा तभी पे, यानी फोर थ्री टू वन पे तो स्पेस कर देगा, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब अब ये तो प्रिंट हो गया, अब बचा ये, अब जे की वैल्यू कितनी है, वन, और आई क्या है, फाइव, अब हमें फाइव आई फाइव में सारे चाहिए, फिर आर लगा के आई इक्वल टू डबल इक्वल फाइव कर देंगे, ये हमारा पूरा लॉजिक है। इसको इरेज करके हम आपको और अच्छे से बताते हैं, इसको क्लियर लिख के। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा वही सेम प्रोग्राम, वही जो चीज़ हमने वहाँ पे समझाया था आपको, सारी चीज़ें वही हैं। मैंने क्या किया, n इक्वल टू फाइव ले लिया, k इक्वल टू थ्री ले लिया, यानी जहाँ पे n है उसकी वैल्यू कितनी हो गई फाइव, जहाँ पे k है उसकी वैल्यू कितनी हो गई थ्री। फर्स्ट कंडीशन ये हमारा, आपको मैंने फिर बता दे रहा हूँ, ये हमारा आउटर लूप होता है जो हमारे रो के लिए काम करता है, ये होता है इनर लूप जो काम करता है कॉलम के लिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ यहाँ पे, इफ़ मैंने कंडीशन क्या लगाया, डबल इक्वल वन, यानी आई की वैल्यू जब वन हो
तो प्रिंट करेगा। यानी ये मिला जुला के इफ़ का मतलब ये होता है, उसमें से अगर कंडीशन आप लगा रहे हैं एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तब वो स्टार प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने के बाद एल्स जाएगा तो हमें स्पेस पर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमारा ये लूप ख़त्म होगा तो उसके बाद क्या करेगा, जैसे ये लूप ख़त्म होगा तो उसके बाद ये न्यू लाइन पे जाने के बाद न्यू लाइन पे चला जाएगा कर्सर, और उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, अब 2 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। आई प्लस प्लस ए प्लस प्लस ये एक अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। ये फॉर लूप यानी कॉलम का कब तक चलेगा, जब तक ये एक लाइन को कंप्लीट नहीं कर लेता है, ठीक है। अब इसमें ये चलेगा फर्स्ट लाइन के लिए, ये चलेगा आई स्क्वायर टू के यानी 3, इसके लिए पूरी कंप्लीट कर देगा, ये दोनों हो गए। और फिर आई इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है 5, यानी जब रो हमारा 5 हो तो पूरा प्रिंट होगा, ये तो हो गए। अब इसका जे इक्वल टू 1 यानी कॉलम 1 के लिए है, ठीक है, इसके लिए आ गया 1, ठीक है। अगर इसके एंड ना लगाते हैं, एंड ना लगाते तो ये भी यहाँ भी प्रिंट कर देता, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे एंड लगाना पड़ा। फिर किससे, किस की वैल्यू थी 3, 3 से वैल्यू क्या है 3 के बराबर है, 3 से वैल्यू छोटी हो तो ये हमारा प्रिंट कर देगा, ये कि इससे हो जाएगा। और ये क्या है जे इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है 5, जब 5 हो, अगर जे ना जे डबल इक्वल 5 कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, जब जहाँ पे वैल्यू 5 मिलेगा वहाँ पे प्रिंट कर देगा, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन फिर क्या लगाए हैं इसमें एंड, यानी एक और मतलब दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू हो, आई लेस देन के यानी जो के की वैल्यू हो उससे ग्रेटर देन के, यानी जो आई की वैल्यू हो उससे जो क्या है हमारा के की जो के यानी 3 है, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 हो जाएगी, तो किसी वैल्यू बड़ी हो गई तो जब वैल्यू हमारे ग्रेटर देन हो गई तो प्रिंट कर देगा, लेस देन होता तो यहाँ पे नहीं प्रिंट करता, ये लेस देन पे है ये ग्रेटर देन पे है, ठीक है। ये हमारे प्रिंट हो गया। अब चलिए इसको हम इक्लिप्स ओपन करते हैं, इक्लिप्स पे प्रोग्राम लिख के कंपाइल करके, कंपाइल इक्लिप्स ऑलरेडी कंपाइल कर ही देता है, चलिए ठीक है इक्लिप्स ओपन करते हैं। इक्लिप्स ओपन हो गया, यहाँ पे जाएंगे पैटर्न, ये मैंने एक अपना बना के रखा हुआ था, राइट क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इक्लिप्स थोड़ा, अगर आपका 8 GB रैम होगा तो अच्छा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे न्यू, जैसे न्यू पे पहुँचेंगे तो आपको अभी दिख जाएगा, थोड़ा सा वेट, जस्ट वेट, आ गए। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्रोजेक्ट तो पैटर्न नाम से बना हुआ था, तो मुझे सिर्फ एक क्लास बनानी थी, मैंने क्लास पे गया, मैं क्लास पे पहुंचा तो मुझे देना क्या है पैटर्न 4, पैटर्न हमारा 5 है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मेन मेथड भी चाहिए, बिना मेन मेथड को तो चलेगा नहीं, मैंने कर दिया फिनिश, फिनिश कर दिया, हमारे एक क्लास बन के, अभी जस्ट वेट आ जाएगा। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, आप यहाँ देख रहे होंगे लाइन बाय, कहीं कहीं आपको अगर दिख रहा होगा कि लाइन पे रेड दिख रहा है या फिर उसके जस्ट आगे देख रहे होंगे यहाँ पे, तो रेड क्लास को बना होता है रेड कलर का, बट आपसे जब लाइन कंप्लीट हो जाए तब तक, तब पर भी अगर वो बता रहा है तो इसका मतलब आप प्रोग्रामिंग में कहीं कुछ आपका कहीं ना कहीं एरर है, ठीक है। आप इसको करते जाइए, आप कंटिन्यू, आपको ये लाइन बाय लाइन ये अपना कंपाइल करता जाता है, ठीक है। चलिए जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जा रहा है देर, फिर देन इसको हम रन करके चेक करते हैं। चलिए हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे पैटर्न 5 के, हमारा यहाँ पे शो हो रहा होगा, रन एस पे जाएंगे, जावा एप्लीकेशन उस पर क्लिक करेंगे, हमारा प्रोग्राम रन हो गया होगा, जा देखें आउटपुट क्या हमारा आया है, आ गया 5, ठीक है। ये हमारा यहाँ से प्रोग्राम आउटपुट हमारा आ गया। अब वहाँ से भी रन करा सकते हैं, यहाँ से भी करा सकते हैं, अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है आप में तो रन एस में जाइए, जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा दिखाएगा कौन सा है, मेरा पैटर्न 5 है, ठीक है। इसको क्लिक करिए, ओके, ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।